हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। आप क्या कर रही हो? आप क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। ऐसे पिट्टू करोगे? इसकी पिट्टू। ओ गाइस, मेरी अंशु की तबीयत बहुत खराब हो गई है। एक तो इसकी आंखों में दिक्कत आ रही है, नाक में, गले में, गले में, फिर बुखार, मतलब कमी कुछ नहीं रह रही, और सिर में। मैं खांसती हूँ, सिर पता नहीं क्यों पीछे से धक्का दे रहा है। ऐसा लग रहा है सिर मेरा इतना भारी हो गया। मैं ऐसे करूँ ना तो इधर को ऐसे एक तो क्या जुकाम की वजह से सांस नहीं ले पा रही। पहले बच्चों की तबीयत खराब थी, फिर अंशु की तेरी नहीं थी ना पहले, अभी हुई मैं है तो सही तेरी। थी यार। हाँ, मम्मी तो कह रही थी कि तेरे थी पहले थोड़ी थोड़ी खांसी। कहीं नहीं थी, मम्मी को तो पूरे साल खांसी लगती है मेरे, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं मतलब अब ज्यादा हो गई, 2 दिन में हो जाती है, पता बच्चों से भी हो जाता है। मेरे कल रात से मतलब गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि कल रात को मेरे सर दर्द हो रहा था, तो मैं पूरे सर पे पानी डाल के आई थी, गीला कर लिया। मेरे तो उससे हुआ है, मैं नहीं कहूँगी कि मेरे इन लोगों से हुआ है, कुछ किसी से भी हुआ है, मेरा हुआ है पानी डालने से सर पे। बहुत बहुत बुरा, सर फट रहा था मेरा। नहा के नहीं आई मैं, पूरे सर पे पानी डाल के आई थी, गीला गीला हो रहा था, बहुत भयंकर वाला। ये जो दर्द करता है ना मेरे पीछे का, तो फिर जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर मैं ऐसे सर पर पानी डाल लेती हूँ, थोड़ा ठंडा लगे, ठंडक लगे, तो उसकी वजह से आज गला खराब हो गया। फिर मेरा एक दर्द को सही करने के लिए फिर दूसरा पकड़ लेता है। कैसे देख रही है मेरी बुआ को, क्या हो गया जी? हर चीज गले में डाल लेगी, माला डाल लेगी, पर्स। बुआ कहाँ है, मुझसे पूछ रही हो? आवाज दो अंशु। हाँ, क्या हो रहा है, क्या हो गया अंशु? डस्टबिन उठा के ले जा रहा है यार। तूने फेंका, तूने गुस्सा देख रही है उसका? है, दांत तोड़ दूंगी तेरे, दांत आए भी नहीं। आई नहीं है, गुड्डी पोपली रहेगी क्या तू पूरा टाइम? दांत की दवाई ला यार, जाके खाने का इसका मन करता है जब तक इस पे है नहीं। चलते हैं आज डॉक्टर से पूछते हैं कि उसके तीत क्यों नहीं आ रहे। तो बुआ सो जा, देख कैसी रही है तेरे मुंह की तरफ यार, ये केवल हटा दे, ये माला डाल के डाल रही है ये हटा दे यार, केवल हटा दे। वो बाबा भंडारी सी फिर गई हुई है। नहीं जाए। यहाँ पे मेरी अंशु कर रही है पूजा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब नहीं है फीमेल इशू, इस वजह से मेरे लाडो पूजा कर रही है। कपड़े चेंज कर दिए। हाँ, कान्हा जी को नहला भी दिया और पूजा कर रही है। कर लो, है ना? मैं नीचे जा रही हूँ, आरोही रो रही है, ठीक है? तो मैं अभी नहा ली हूँ, तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि आरोही रो रही है। उसको कुछ खिलाती हूँ, फिर आरो के लिए कुछ बनाती हूँ। क्या? अच्छा, ये आरोही की वजह से लगाई है? जाते घुसने की कोशिश करी, ऊपर जा रही होगी। आरोही को सीढ़ी चढ़ना आ गया है। और अभी आरोही काय को रो रही हो? अरे अरे अरे, काय को रो रही थी? अप्पू खाओगी? अप्पू अप्पू अब आरोही खा रही है दलिया, बेचारी के दांत ही नहीं है, दलिया के अलावा कुछ खा ही नहीं पाती। सब खाती है वो, मेरे को समझ नहीं आता पर ये खा कैसे लेती है बिना दांतों के। हाँ आई, किसको? ए गंदा सारा। राजू 4 बाल दूसरी तरफ करके तू खा रही है कि दूसरों को खिला रही है? इससे पहले अच्छे से खा रही थी।
ये राजू बहुत शैतान है, कैमरा उठते ही इसकी खुराफात दिमाग चालू हो जाता है। ले खाते रह जा, ये तो प्यारा ता मैंने नहीं आ रही है। वो कह रही है उसको भी आ रही है, उसे भी सोना देख है। ऐसे आना है इसको यूं। हाँ 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 है मोटी साहब, ना पंखा चला रखा है ना एसी चला रखी है, इतना मोटा कम्बल ओढ़ा है, पूरे घर में वायरस सा हो गया पूरा, कीटाणु डोल रहे बुखार के। हाँ तेरे को इसको कितनी गर्मी लगती है, देख इसको उड़ाऊंगी बस। ये उड़ते ज्यादा है यहाँ के, उड़ते देख रही है। मैं ना तुझे हाय गाइस वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो आई होप कि आप क्या तो नींद नहीं आ रही थी, तबीयत ठीक नहीं है, तो पता है थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ सिलाई करता हूँ, है ना। तो एक लहंगा है अंशु का, कोई रंगोली फेस्टिवल है दिवाली का स्कूल में, तो वो जाएगी तो उसको थोड़ा पहन के जाना है। क्या ट्रेडिशनल वेयर, ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, तो उसके लिए एक लहंगा है वो पहन आई ले पहन ले ऐसे पकड़ लेती हूँ। तो फिर वो लहंगा है उसको मैं सही कर देती हूँ, सिला हुआ नहीं है मतलब ऐसे ही रखा है वो, उसको कर देती हूँ। फिर मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी सिलूँगी जिससे माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेकार बेकार लग रहा है। ये मशीन हम ले जा रहे हैं अपने कमरे में, मैं और अंशु बेड के साइड बैठूंगी। यहाँ पे आरू दिख रही है कार्टून और यहाँ पे मेरी गोलू सो रही है। तो आज हमने सोचा कि थोड़ा है ना इस घर मतलब ऐसा करें अच्छा अच्छा सा फील लगे, तो मैंने अपने टीवी में रिचार्ज कर रहा है जो कि हम कभी नहीं देखते, तो टीवी देखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। मतलब बहुत चीज़ें करते हैं मन डाइवर्ट करने के लिए कि कुछ अलग लगे अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगता बहुत अकेलापन अजीब अजीब सा लगता है। गाना सेटअप बॉक्स फिक्स कर रहा हूँ अभी, इसमें एक अपडेट होगा उसके। तो अभी मैंने इसकी ये वाली ड्रेस बनाई है, अभी और कुछ बनाने का सोच रही हूँ। एक जैकेट नहीं होती ये रही फाउंड इट, अबे ये तो उस अरे पिना के तो देखो तो ये जाएगी नहीं, तो इसी से बनाऊंगी। हाँ सेम कलर से, फिर साइड में ऐसे दुपट्टा डालूंगी सेम कलर से। इतना अच्छा अरे तो यार सेम कलर से थोड़ी बनाओगे, ठीक है। यू अच्छी लव यू बोलो पहले। ओके तो मैंने इसकी ड्रेस बना दी, ये लहंगा सा है, ये जैकेट हो गई। अच्छा ये तो कैसी लग रही है, मैं ज्वेलरी का सोच रही थी मैं बनाऊं, पर इस वाली ड्रेस में सिंपल ही अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है ना, आई थी उससे तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ उससे तो अच्छी है। ये लो मैं आपकी क्या कह रही हूँ डॉल के लिए ना वो बनाऊंगी कपड़े। ऐसे क्यों कर रही है, लो कितनी क्यूट लग रही है। अम्मा दिखा, हाँ दिखाया अम्मा को, जाओ अभी मेरा वो जो लहंगा था उसको सिलाई कर रही है। तेरे को पहनना है? हाँ क्यों अभी तुझे पहनना है? ओगी को गले पैसे लेके पहनाओ पूरा। तो भैया बोलते थे ना हाँ ओगी के लिए ड्रेस और स्कर्ट बना दो, जेरी तो पहन भी ले, ओगी तो पहनता भी नहीं है जी, तो पागल है बहुत। सही में जेरी तो पहन भी लेता था, कुछ भी पहना दो उसे तो प्यारी लगेगी इसमें तो। हाँ सुंदर है ये वही वाला है जो अपन ने एक बार वीडियो में दिखाया था।